वीडियो की थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हमने आपको क्या बताने की कोशिश की। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बताएंगे जिसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिलता है उसको अपना जीवित होने का पंजीकरण करवाना होगा, यानी कि गवर्नमेंट को बताना होगा कि मैं जीवित हूँ, तब उनका पेंशन उनको रेगुलर आता रहेगा। अगर वो KYC करके ये नहीं बताते कि मैं जीवित हूँ तो उनका पेंशन बंद कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे अपना जो भी आपके गाँव में हो या जो भी हो जिसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिलता हो तो उनका किस KYC कर सकते हैं। KYC करने के बाद उनको अब पैसा जो भी पेंशन मिलता था वो मिलने वाला है, क्योंकि अब जो यहाँ पे रूल्स को चेंज कर दिया गया है। मैं आपको एक नोटिस भी दिखा देता हूँ। देखिए, इस नोटिस में दिया गया सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारी 31 दिसंबर 2021 तक जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कर ले, यानी कि 31 दिसंबर तक वो अपना KYC जरूर कर ले, अन्यथा उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है इसके लिए आपको 5 रुपये तक का चार्ज देना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश इस तरह की है कि आपको कोई भी रुपए चाहिए, 5 रुपये भी आपको नहीं देना होगा, क्योंकि अभी ये इसका डेट जो अंतिम डेट 31 दिसंबर कर दिया गया है। अगर आपके गाँव में जिसका पेंशन KYC नहीं हो उनसे भी आप KYC कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी बताने की कोशिश किए हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, KYC करने के लिए आपको elabharti.bih.nic.in की वेबसाइट पे आना है। ये आपको मोजिला में करना है, क्रोम में नहीं करना है, क्योंकि ये जो वेबसाइट है मोजिला में ही काम करती है, क्रोम में काम नहीं करेगा। क्रोम में आप यूज करेंगे तो फिंगरप्रिंट पे लाइट नहीं जलेगी, इसलिए आप इसको जो है मोजिला में ही काम करें, यानी कि मोजिला में इस वेबसाइट को यूज करें। तो मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ आ सकते। जैसे आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा elabharti.link2 for CSC login, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको CSC ID पासवर्ड कैप्चर डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पे CSC जिनके पास वही लॉगिन कर सकते हैं। अगर CSC आपके पास नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पे लॉगिन डिटेल देंगे CSC के, उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी में विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सभी तरह के पेंशन आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसको भी जिस पेंशन का KYC करना है उसके लिए पहले ऑप्शन है बायोमेट्रिक फॉर ई लाभार्थी पेंशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जिसको भी पेंशन मिलता है उनका आप सर्च कर सकते हो, उसके अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं, या उनके आधार नंबर से, या उनके बेनिफिशियरी आईडी से सर्च कर सकते हैं। अगर वो कस्टमर पासबुक लेके आता है तो आप यहाँ पे पासबुक खाता नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड लेके आता है आधार कार्ड को सिलेक्ट करके आधार नंबर डालेंगे। अगर उसके बाद बेनिफिशियरी आईडी है तो वो सिलेक्ट करके बेनिफिशियरी आईडी डालेंगे। चलिए हम आधार को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं। हम पहले उन लाभार्थी का आधार कार्ड डालते हैं जिसका KYC ऑलरेडी किया हुआ, तो जिसका क्या उसमें क्या बताता है, जिसका नहीं किया हुआ उनमें क्या बताता है, ये हम भी देख लेते हैं। पहले हम उनका डालते हैं जिनका KYC क्या हुआ है। आधार नंबर देख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं डेमोग्राफी जो है एथेंटिकेट, यानी कि इसका ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो इनका बेनिफिशियरी नंबर यहाँ पे मिलेगा। बेनिफिशियरी में क्या नाम है, बैंक में क्या नाम है, और आधार में क्या नाम है, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, उनका वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज यहाँ पे मिलेगा जिसका ऑलरेडी KYC किया हुआ। यहाँ पे देख सकते है कि बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन डेट, यानी कब किस डेट को KYC किया गया था। अब इसका ड्यू डेट कब है, यानी कि 20/12/2021 को किया गया था, तो अब इसका 20/12/2022 को ड्यू डेट है, यानी कि 2022 में आपको इसको KYC करना है, यानी KYC हर साल करना है। जैसे कि 20 दिसंबर को 2021 में इनका KYC हुआ था, तो अब 20 दिसंबर 2022 को इनका KYC करना होगा उसके बाद, यानी कि उससे पहले इनका KYC अब नहीं होगा। तो इसके बाद आपको नीचे में कोई ऑप्शन वगैरह दिखने को नहीं मिलेगा जिसका ऑलरेडी KYC किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब उनका देखते हैं जिनका KYC करना है, जिनका नहीं हो उनका में क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए जो उनके पेंशन पे नाम है वो नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में जो नाम वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, उनके आधार कार्ड में जो नाम वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। कभी कभी आधार कार्ड वाला नाम यहाँ पे फिलअप नहीं होता है तो आधार कार्ड का नाम आपको डालना होगा जो उनके आधार कार्ड पे। यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ, यानी कौन से साल की पैदाइश, पे यहाँ पे आपको साल देना है, डे महीना नहीं देना है, ठीक है, दिन महीना नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे ईयर देना है। जैसे कि
1998 तो 1998 डालेंगे, जो भी हो 1958 58 जो भी ईयर हो, सिर्फ ईयर डालना है, ठीक है, जन्म का वर्ष डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको वार्ड संख्या डालना है, वार्ड संख्या इनका क्या है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेमोग्राफी एथेंटिकेशन पे ये वाले लाल बटन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, उसके बाद जो कि डिटेल आपको सामने या डिटेल सारी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद गो फॉर बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से आपकी डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपको टिक मार्क का लगाना होगा। उसके बाद आपकी मतलब कि जो भी मशीन आपके लैपटॉप से सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरे केस में मंत्रा यहाँ पे सेलेक्ट है तो मंत्रा यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि मंत्रा हमारे सिस्टम के साथ अटैच है। अगर आप ये क्रोम में करेंगे तो ये ऑप्शन जो आपको डिवाइस अटैच वाला नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप इसको मौजूदा में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक मार्क का लगाना होगा, उसके बाद आपको डिवाइस को यहाँ पे टिक मार्क का लगाना होगा, उसके बाद आपको कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पे क्लिक करना होगा। चलिए कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पे क्लिक करते हैं। जैसे कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा पे क्लिक, आपके फिंगरप्रिंट पे लाइट जलेगी, फिंगर लगाएंगे, फिंगरप्रिंट डिवाइस पे लाइट जलेगी, फिंगर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए अब आ चुका है ऑथेंटिकेशन नो, यानी कि फिंगर लग चुका है। उसके बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये लोड ले रहा है, जैसे कि आप लाइव देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका, ओके करेंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं ये फिर से रिडायरेक्ट कर दिया उसी जगह पे जहाँ से हमने सर्च किया था, यानी कि हमें पेमेंट करने को नहीं मांगा गया। बायोमेट्रिक लगाने के बाद यहाँ पे पेमेंट के लिए नहीं बोला गया, डायरेक्ट ये फिर से होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, यानी कि हमारा जो केवाईसी था वो हो चुका है बिना पेमेंट के। अब यहाँ पे हम सर्च करके देख भी लेते हुआ या नहीं, तो फटाफट यहाँ आधार को सेलेक्ट करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, आधार नंबर देखिए सर्च के, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका केवाईसी जो है हो चुका है बिना पेमेंट के। तो इस तरह बिना पेमेंट के केवाईसी कर सकते हैं जिसको भी पेंशन मिलता है, कि अगर वो केवाईसी नहीं करता तो उनका पेंशन बंद हो जाता है। तो अपने लाइव देखा बिना पेमेंट के मैंने कोई पेमेंट नहीं किया, लेकिन हमारा जो पेंशन का केवाईसी हो चुका है।